निवेश करना सिर्फ अमीरों का हक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि निवेश करना हर उस व्यक्ति का हक है जो अपनी वित्तीय हालत को लेकर जागरूक है। यानी हर किसी के लिए निवेश करना ज़रूरी होता है। और क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपके जीवन में कई सारे ऐसे आर्थिक लक्ष्य होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं, और इन्हीं से रूबरू कराने के लिए हम लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। चलिए, बेहद खास शो, और इस खास शो में हमारे साथ अब खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आज हम काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव तो लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन अगर इसको हम दरकिनार कर दें तो भी जैसे आपकी एक रणनीति होती है किसी फंड को खरीदने की, उसी तरह किसी निवेश से निकलने की भी तो कोई रणनीति होनी चाहिए। संतोष, आज हम इसी बात पर फोकस करेंगे, क्योंकि एंट्री के साथ साथ एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये बताएं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी अहमियत कितनी है, ये ज़रूरी कितनी होती है, किन मायनों में जरूरी होती है? So, कविता, इसका एक वन लाइन में आंसर बोलूं तो मैं इस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास फंड से निकलने की एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है तो मार्केट आपको फोर्स कर लेगा गलत टाइम पे निकलने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसको समझना, क्योंकि अगर हम लोग खुद से पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको फंड से कैसे निकलना है तो मार्केट की सिचुएशन ऐसे बन जाएंगी कि हमको शायद गलत टाइम पे निकलना पड़े। तो एक ही रीजन है कि हमको गलत टाइम पे नहीं निकलना पड़े, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। संतोष, ऐसे में हमने देखा है कि अच्छा, कई लोगों को बैक ऑफ द माइंड होता है कि अच्छा किसी निवेश विकल्प से निकलना भी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ना निवेशक गलती कर बैठते हैं, और ख़ासतौर से इस तरह के बाजार के माहौल में संतोष, जहां पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास एक रणनीति होना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि गलतियाँ क्या लोग कर बैठते हैं जब वो अपने लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं? So, कविता, अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो अगर आप मार्केट में इस टाइम पर हैं और आपको निकलना था, दैट मींस आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी ऑलरेडी गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो चुके हैं और वोलेटाइल मार्केट्स में निकलना अच्छा एक्सपीरियंस किसी के लिए नहीं होता है। तो अगर आप मार्केट को देख के अपना पैसा निकालने का डिसीजन लेंगे तो शायद मोस्टली गलत डिसीजन होगा। इसलिए अपने गोल्स पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके गोल्स हैं और आपको पता है कि आपको कुछ पैसा 2022 के एंड में चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट, आपका कुछ गोल होगा कि किसी पढ़ाई के लिए आपने पैसा सेव किया है, आपने किसी अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा सेव किया है, या आपने अपने कोई घर खरीदने के लिए पैसा सेव किया था, तो अगर आपका प्लान 2022 में निकलने का था तो आप बहुत लेट प्लान कर रहे हैं। आपको शायद 2020 के एंड में या 2021 में ही अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर लेना चाहिए था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्जिट स्ट्रेटजी में धीरे धीरे रिटर्न्स को या रिस्क को कम करना। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट से आप एक साथ पूरा पैसा बाहर नहीं निकाल सकते आपके टाइमिंग के हिसाब से। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता जाए जब आपको पैसे की जरूरत हो। तो अगर आपको 2022 में पैसा चाहिए तो आपको 2018-19 से आपके पैसे को एक्विटी में कम कर देना चाहिए, और धीरे धीरे कम करके ऐसा होना चाहिए कि 2022 में शायद आपका एक्विटी में पैसा बहुत कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो। तो एक इसको हम ग्लाइड पाथ बोलते हैं कि एक रिस्क को कम करने का तरीका बेटर इन्वेस्टमेंट एग्जिट स्ट्रेटजी है, ना कि डिसाइड करना कि कौन से टाइम पे निकलना है। यहाँ पर जब हम एग्जिट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो मुझे उदाहरण के तौर पे आप समझाएं कि क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पर हो सकते हैं जब आपको अपने निवेश से निकलना होता है, और किस तरह के निवेश से, संतोष, किस तरह से निकलें? सो कविता, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एग्जिट स्ट्रैटेजी एक बनाना चाहते हैं तो आप तीन चार तरीकों से प्लान कर सकते हैं। एक है जो हमने कवर किया अभी, ग्लाइड पाथ, कि अपने पोर्टफोलियो का रिस्क धीरे धीरे कम करते जाइए,
जब आपको पैसा चाहिए होता है। सो कुछ साल पहले इन्वेस्टमेंट की डेट, एग्जिट स्ट्रेटजी, एग्जिट डेट से निकलने का जो डेट आप फिक्स करेंगे, आप धीरे धीरे रिस्क कम करिए। सबसे पहला नंबर तरीका ये होगा। सेकेंड ये होगा कि कभी कभी हमको होता है कि हमने कोई फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और हमको अब लगता है वो फंड हमारे लिए शायद बराबर नहीं बचा है। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं डिसाइड करने के कि फंड परफॉर्मेंस खराब हो रही है। तो आपको पहले पेशेंस रखना है, थोड़ा थोड़ा संयम रखना है कि फंड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। अगर पूरा मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है और फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, तो आप मत निकले फंड से। लेकिन अगर पूरा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैटेगरी के फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसको 3 से 4 क्वार्टर्स दीजिए या 1 साल दीजिए, और 1 साल के बाद भी अगर परफॉर्मेंस कवर अप नहीं होता है तो आप फंड से निकलना बेटर रहेगा। तो इस चीज को एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं बोलते, इसको रीअलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। तो आप इसमें से एग्जिट करिए और बेटर फंड या सेम कैटेगरी का अच्छा फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटजी, बट इसके साथ एंट्री अटैच करना जरूरी है। सेकंड तरीका होता है कि या एस्पेक्ट होता है, कभी कभी हमारे पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन बिगड़ जाता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए नए होंगे और 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अगर आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो आपको रखना था कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का 60% इक्विटी में जाए और 40% आपके फिक्स डिपॉजिट्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में रहेंगे, अगर आपने ऐसा डिसाइड किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पोर्टफोलियो का जो इक्विटी पोर्शन है वो बहुत ज्यादा फायदे में होगा इस टाइम पे, या हो चुका होगा ऑलरेडी। डिस्पाइट ये करेक्शन के बाद भी आपका पैसा काफी अच्छा बढ़ा होगा। तो इसको रीबैलेंसिंग के तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो को ठीक कर सकते हैं कि कुछ पैसा इक्विटी से एग्जिट किया जाए और उसको डेट में लगाया जाए, क्योंकि आप अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हो इक्विटी में और आपका अलोकेशन पहले से 60-40 के हिसाब से होना चाहिए था, जो कि आज 60-40 नहीं, शायद 90-10 हो चुका है, बिकॉज इक्विटी का जो गेन है काफी स्ट्रांग आया है पिछले 2 सालों में मार्केट में। तीसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई एसेट को बाहर निकालना है। कभी फॉर एग्जाम्पल, आपने पोर्टफोलियो में कुछ डिसाइड किया था कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, इक्विटी, डेट तीनों चीजें होनी चाहिए, और अभी ऐसा है कि 2018 या 2019 हम देखेंगे तो गोल्ड ने एक रैली दी थी उसके पहले और काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट दिया था, और एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड शायद अभी अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो उस टाइम पे ये मेक सेंस करता है कि आप गोल्ड से निकल के अपने पैसे को रीअलोकेट कहीं और करें। तो अगर निकलने के पहले इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आप एसेट से बाहर निकलना चाहते हैं कि कोई फंड से बाहर निकलना चाहते हैं कि आप पैसे को निकाल के उसको यूज करना चाहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहला बात होगा कि आपका रणनीति जो होती है पैसे को निकालने की, वो रिस्क से एसोसिएट होनी चाहिए, ना कि रिटर्न्स के साथ। बताएं कि ईटी मनी के जरिए आप किस तरह से निवेशकों को समझाते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में, स्पेशली आपने जो ग्लाइड पाथ की बात की है उसे किस तरह से अमल में लाया जाता है जहां तक निवेशकों के पोर्टफोलियो की बात है। सो ईटी मनी में हमारे पास एक सर्विस है कविता, इसका नाम है ईटी मनी जीनियस। ये एक इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस सर्विस है जिसमें हम लोग मैनेज पोर्टफोलियोज लोगों को रिकमेंड करते हैं। इसमें आपके रिस्क प्रोफाइल या इन्वेस्टर पर्सनालिटी जो हम बोलते हैं, उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियोज रिकमेंड होते हैं। आप जब इन्वेस्ट करते हैं उसके साथ आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी डिसाइड की जाती है पहले से ही। सो अगर आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग किया और आपको हम रिकमेंड करेंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से कि आपको एक हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए 5 से 7 साल के इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए, और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो हम पोर्टफोलियो ऐसे मैनेज करते हैं कि पहले 2 साल वो हाई ग्रोथ में होगा, फिर अगले साल वो ग्रोथ स्ट्रेटजी में आ जाएगा जो कि थोड़ा कम रिस्क होता है, फिर उसको और रिस्क को कम करके हम एक बैलेंस स्ट्रेटजी में लेके आते हैं। ऐसे बनाते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जब आपको एग्जिट करना होगा तो आखिरी के 2 साल वो ऐसे मैनेज किया जाएगा कि उसका रिस्क इतना कम है कि अगर मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए, आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। वो इसलिए होगा कि
आखिरी के 2 या 3 साल आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम अलोकेशन डेट एज एन एसेट क्लास में होगा। तो अगर इक्विटी मार्केट्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी होंगे तो आपके सिर्फ 20 या 30% पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे उतार चढ़ाव आएगा, आपका 70 से 80% पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। तो इसमें एग्जिट स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक बिल्ट इन आती है। उसका प्रिंसिपल यही होता है कि अगर आप जैसे जैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे पैसे निकालने के तरीके में, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम होना चाहिए। और इसमें हम लोग फंड्स को ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं क्योंकि हम पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फंड का अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस का क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है क्योंकि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पूरे मार्केट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय पुटिंग मनी इक्विटी डेट और गोल्ड के मिक्स करके हुए। तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड एसेट से इन्वेस्ट होके ज्यादा पैसा कम रिटर्न कमा सकता है और कम रिस्क पे कमा सकता है, ये फोकस होता है। तो फंड का अंडर परफॉर्मेंस ओवर परफॉर्मेंस इसमें नहीं आता क्योंकि इंडेक्स फंड्स होते हैं। एक चीज मैं चाहती हूँ, जो आपने शुरुआत में रीजंस गिनाए कि आपको कैसे एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किन कारणों से बनानी चाहिए, अंडर परफॉर्मेंस किसी भी फंड की हम कैसे पहचाने और उसकी तुलना हम कैसे करें और कैसे उस फंड से परफॉर्मेंस को देख कर निकलने का फैसला करें? सो कविता, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फंड है। तो अगर आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके फंड ने उसके बेंचमार्क के हिसाब से कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि निफ्टी 50 जो बेंचमार्क है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का या निफ्टी 100, उसके कंपैरिजन में आपके लार्ज कैप फंड ने कितना दिया। तो अगर ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना चाहिए कि जो कैटेगरी में बाकी लार्ज कैप फंड्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर ये कैटेगरी एवरेज से भी नीचे परफॉर्म कर रहा है और या बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर रहा है, तो आप इस फंड को थोड़ा टाइम दीजिए और टाइम देने के बाद डिसाइड करिए कि अगर ये सस्टेन्ड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप इसमें से एग्जिट प्लान कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये भी होता है कि कभी कभी आपने कोई सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया होता है या थीमेटिक इन्वेस्टमेंट की होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में खरीद लिया, या एक थीम है रिफॉर्म्स की कोई थीम है, या GST पर के न्यू इंडिया अपॉर्चुनिटी या मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम पे आपने इन्वेस्ट किया, तो इसका कोई बेंचमार्क आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये आपको इन्वेस्टमेंट टाइमली एंट्री करनी है और टाइमली एग्जिट करना है, तो आपको अपने एडवाइजर से बात करनी चाहिए सेक्टर और थीमेटिक फंड्स एग्जिट करने के लिए। दो ही तरीके होते हैं। और कभी कभी मार्केट में बहुत पोलराइजेशन होता है कि अगर ग्रोथ स्टॉक्स परफॉर्म ज्यादा कर रहे हैं, वैल्यू स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने अगर वैल्यू एज अ थीम या वैल्यू एज अ स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट किया है, कोई फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको उसके जैसे फंड को कंपेयर करना चाहिए, ना कि बेंचमार्क को। क्योंकि अगर आपने वैल्यू फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको बाकी वैल्यू फंड्स को देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सो 3 टाइप के फंड्स हैं, स्ट्रेटजी, वैल्यू, ग्रोथ, या डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर सेक्टोरल फंड। सो तीनों में आपका एग्जिट स्ट्रेटजी का तरीका अलग होगा डिपेंडिंग ऑन फंड परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स। यहाँ पर काफ़ी अहम समझाइश आपने दी है क्योंकि अमूमन फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग एंट्री किस तरह से करनी चाहिए, कितने लंबे समय तक आपको किसी भी निवेश में रुकना चाहिए, इसके बारे में तो लोगों में फिर भी थोड़ी जागरूकता होती है। लेकिन हाँ, निवेश से निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से तब जब आपके लक्ष्य नज़दीक आ रहे हों या किसी फंड की परफॉर्मेंस से आप खुश ना हो। तमाम बारीकियों पर जानकारी देने के लिए संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.